ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मथुरा से है, जहां दिल्ली में अपनी कथा के दौरान दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि पाने वाले धर्मगुरु महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती आज धर्मनगरी वृंदावन में पहुंचे, जहां उनके भक्तों ने फूलमाला और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। महामंडलेश्वर ने इस दौरान परिक्रमा मार्ग स्थित राधे किशीरी सेवा धाम में आकर अपनी यात्रा और उपाधि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां धर्मगुरु महामंडलेश्वर ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जी महाराज जी, बताइए आज क्या मकसद है जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? दरअसल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि हम पूरे सनातन के प्रभाव को बताना चाहते हैं। सनातन का प्रभाव क्या है, सनातन दर्शनों का प्रभाव क्या है, हमारे ग्रंथों का प्रभाव क्या है दुनिया में। हमारा पूरे सनातन का, सनातन काल से ही जैमिनि कणाद गौतम वशिष्ठ के काल से ही जो है ये परंपरा पूरे विश्व में है। हमारा जो देश है वो विश्व गुरु रह चुका है, और आज भी हमारे विश्व गुरु के जो चिन्ह हैं, निशान हैं, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, वहाँ पर भारतीय आदमी अवश्य पाया जाता है, और किसी भी देश की करेंसी को बढ़ाने में भारतीय नागरिक का प्रथम स्थान हर देश में पाया जा रहा है। अभी फिलहाल में मैं कई देशों में कथा करके आया हूँ, तो उससे मुझे महसूस हुआ है कि पूरे विश्व को आज भी चलाने के लिए ताकत बुद्धि सब भारतीय लोगों की काम कर रही है। हर जगह बड़े बड़े स्थानों पर व्यापार क्या, बिजनेस क्या, नौकरी क्या, CA क्या, सब भारतीय लोग हैं। तो उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वैदिक धर्म का प्रचार करता हूँ, सनातन का प्रचार करता हूँ। तो उसके लिए ही मुझे द अमेरिकन यूनिवर्सिटी AUPG USA ने मुझे अभी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, और ये उपाधि जो है बिना एडमिशन, बिना पढ़ाई के डॉक्टरेट की PhD की उपाधि मिलना, ये भारतीय सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं भी बार बार यही कहता हूँ, कर अगर आज मेरे पास भारतीय संस्कृति का, सनातन का प्रचार करने का अधिकार ना होता और मैं ये सब करना नहीं कर रहा होता, तो यूनिवर्सिटी अमेरिका इतनी उच्च कोटि की यूनिवर्सिटी है जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब पढ़े हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि आना तो संत समाज या हमारे सनातनी प्रचारकों के लिए, सनातनी लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े आनंद की बात है। इसलिए मैं आज आप लोगों को बुला करके ये बताना चाहता था कि सनातन से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, सनातन क्या क्या सम्मान दिला सकता है। इस दौरान कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित रहे थे जब ये आपको, जब ये डिग्री प्राप्त हो रही थी, लगभग ये अभी 13 मई को प्राप्त हुई है, तो यूनिवर्सिटी से 5 लोग आए थे, टीम आई थी उनकी, और साथ में हमारे पूर्व अध्यक्ष दिल्ली BJP और अभी जो नवनिर्वाचन जो चल रहा है ये चुनाव, इसमें सांसद के लिए चुनाव में खड़े हैं और पहले से सांसद हैं आदरणीय मनोज तिवारी जी थे उसमें, और श्री सांसद हमारे बिजनौर मलुक जी नागर जी थे वहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में, उनके सानिध्य में, और हमारे हजारों भक्त वहाँ उपस्थित थे पांडाल में, उनके सानिध्य में ये सम्मान प्राप्त हुआ। धर्मनगरी के लिए इस उपाधि को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं इस उपाधि को, इस मान सम्मान को मैं देखता हूँ सनातन के लिए, ना मैं इसको अपने लिए देख रहा हूँ, और ना ही मुझे इसका कोई ऐसा जात था, ज्ञान था कि इस तरह भी सम्मान मिल सकता है, बिना पढ़े का वह सम्मान, सर्टिफिकेट, डिग्री आ सकती है। तो दर्शन शास्त्र में मुझे ये डिग्री मिली है, मैं आपको सही कहूँ तो 2021 में मैं ये डिग्री के लिए एडमिशन करने वाला था, पर कोरोना में जो थीसिस लिखने वाले थे वो डिसमिस हो गए, तो वो रह गए, तो फिर मेरी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी होगा। तो परमात्मा है, सनातन शास्त्र जो है, हमारे ऋषियों की जो फिलॉसफी है वो सारी दुनिया को सजीव करने वाली फिलॉसफी है, मैं उसका प्रचार करता हूँ। तो मुझे लगता है ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे ऋषियों का है, मेरे सनातन का है, और मेरे आर्यवीर योद्धाओं का है जिन्होंने हमें ये संस्कृति दी है और नैतिकता दी है, उस नैतिकता का सम्मान है और उसी के कारण ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। नमस्कार, श्री श्री महामंडलेश्वर इंद्रजीत महाराज को अमेरिका में जो गौरव प्राप्त हुआ है, डॉक्टरेट मिली है, ये सनातन धर्म के लिए और सबके लिए बड़ा अभिमान का विषय है। सामाजिक दायित्व का भाव मन में रखकर लगातार शोषित, पीड़ित, दलित लोगों की सेवा करना, गोरक्षा का कार्य करना
और समाज उपयोगी और युगानुकूल सनातन धर्म पर आधार पर अपना कार्य करना, ये उनकी विशेषता है। उनके कार्य को अमेरिका में रिकग्निशन मिला, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। मैं उनको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। मथुरा से सीनियर संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।